हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको स्किन केयर टिप्स देने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें सोने से पहले कौन से पांच जरूरी काम कर लेने चाहिए जिससे आपकी स्किन प्रॉब्लम का खतरा कम हो सके। सबसे पहले शाम में करीब 1 लीटर पानी पीने से चेहरे पर अलग ही निखार आता है। साफ़ और निखरी त्वचा पाने के लिए हम अलग अलग उपाय अपनाते हैं, गलत स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अनहेल्दी डाइट, स्किन की और लापरवाही, पोल्यूशन और धूल मिट्टी की वजह से त्वचा ख़राब हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात को सोने से पहले कुछ खास घरेलू उपायों का इस्तेमाल करने से त्वचा पर निखार आता है और स्किन प्रॉब्लम का खतरा भी कम होता है। सबसे पहले हमें चेहरा धोना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें अपना चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है। इससे चेहरे पर मौजूद गंदगी, मिट्टी, धूल मिट्टी सब कुछ हट जाता है। रात के समय स्किन रिजनरेट होती है। अगर त्वचा में किसी भी प्रकार की गंदगी होगी तो प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और इस वजह से डेड स्किन सेल से पीछा नहीं छूट पाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक रात को सिर्फ लोग यदि नॉर्मल पानी से भी चेहरा धो लें तो फ़र्क दिखाई देता है। जी फ्रेंड्स, अगर आप रात के समय सोने से पहले सिंपल पानी से भी अपना चेहरा साफ कर लेंगे तो भी आपके चेहरे पर अलग ही चमक नज़र आएगी। फिर है भाप लेना। स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक थोड़ा पानी को एक बाउल में डालकर उबाल लें। अब अपने चेहरे को बर्तन के पास ले जाए, सिर व कंधे को तौलिए से ढक ले और फिर फेशियल स्टीम ले, जिससे आपको ब्लैक हेड्स और मुहासों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, भाप लेने से चेहरे पर पिंपल्स आदि जो हो जाते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। शाम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और सुबह उठते ही हमें एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम बताने जा रहे हैं कि अपने चेहरे की देखभाल के लिए रात के समय क्या खाएं, हम डिनर में क्या खाएं। इसका स्किन पर बहुत असर होता है। जब खाने की बात आती है तो लोगों को ओलिव ऑयल, टमाटर, ओटमील, ग्रीन टी को ही शामिल करना चाहिए। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो स्किन हेल्थ को बेहतर करने में मदद करते हैं। साथ ही कोशिश करें कि रात के समय डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से बचें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।